अगर आप रशिया में कम फीस में MBBS करना चाहते हो और अंडर टॉप 500 वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी से MBBS करना चाहते हो, तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 1899 में, लेकिन जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन, जिसमें MBBS कोर्स होता है, वो ओपन हुई थी 2013 में। इस यूनिवर्सिटी में कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स है फॉर द कम्प्लीट 6 ईयर्स, और 2013 से ही इंग्लिश मीडियम MBBS कोर्स चल रहा है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कुछ साल बाद 2013 के कुछ साल बाद इंडियन स्टूडेंट जाना स्टार्ट हुए थे, और इसी रीज़न की वजह से इस यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई भी इंडियन बैच पास आउट नहीं है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है सभी मेजर मेडिकल काउंसिल से, MCSE भी पहले रिकग्नाइज थी, और वर्ल्ड रेक्टिव मेडिकल स्कूल्स पे लिस्टेड, सो WFM और फेमस रिकग्नाइज है। ऑल्सो अगर आप स्पॉन्सर नोट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे इसको ECFMG और MCSE एक्रेडिशन भी मिला हुआ है। सो इस यूनिवर्सिटी से MBBS डिग्री आपकी हर जगह वैलिड है, क्योंकि सभी मेजर मेडिकल काउंसिल से इसको एक्रेडिशन मिला हुआ है। ये यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक सिटी में सिचुएटेड है, और व्लादिवोस्तोक सिटी के साथ एक आइलैंड है जो कि ब्रिज से कनेक्टेड है। सो उस आइलैंड पे यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, और क्योंकि ये फेडरल यूनिवर्सिटी है तो इस यूनिवर्सिटी में MBBS कोर्स के साथ साथ और भी काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, जो आपने कैंपस दिखा है मैंने, इसमें और भी काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। तो काफ़ी सारे कोर्सेज इसमें यूनिवर्सिटी में अवेलेबल और सारे कैंपस पे ही होते हैं। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग है 461 अकॉर्डिंग टू द QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। सो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, और जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो है सिर्फ 2,95,000 रूबल्स पर ईयर, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस। हॉस्टल फीस डिपेंड करता है कि कौन सा रूम चूज करते हैं। अगर मैं 2-सीट रूम की बात करूँ तो 2-सीट रूम की फीस है 39,600 रूबल्स, और जो बाकी नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, वन टाइम चार्जेस, अगर हमें सब कुछ इंक्लूड करते हैं और ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और पूरे 6 ईयर्स का कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल 6 ईयर्स की फीस हो जाती है अराउंड 21 लैक्स फॉर द कंप्लीट 6 ईयर्स। और अगर हम इसे लिविंग कॉस्ट भी ऐड करते हैं, आपका फूडिंग और ट्रांसपोर्टेशन और आपकी फ़्लाइट कॉस्ट, सब कुछ अगर हम इंक्लूड करते पूरे 6 साल का, तो आपको जो बजट होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी से MBBS करने के लिए, वो होना चाहिए आपका 28-30 लैक्स फॉर द कंप्लीट 6 ईयर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर आपको यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं व्लादिवोस्तोक सिटी के बारे में। तो व्लादिवोस्तोक सिटी जो है वो मॉस्को से अराउंड 9,000 किलोमीटर्स दूर है, और अगर हम एरियल डिस्टेंस देखते हैं तो वो है अराउंड 6,400 किलोमीटर्स एरियल डिस्टेंस। सो जो मिनिमम अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट देखते हैं मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक, तो मिनिमम जो फ्लाइट ड्यूरेशन है वो होती है अराउंड 8 आवर्स की मिनिमम फ्लाइट ड्यूरेशन मिलती है। और भी काफ़ी सारे अलग रूट्स हैं, साउथ कोरिया से है और जापान से है और अलग कंट्रीज से, जहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट अवेलेबल, थाईलैंड से भी रूट है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज से कनेक्टिंग फ्लाइट के रूट्स अवेलेबल है। फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे जो सबसे अफोर्डेबल और कन्वीनियंट फ्लाइट होती है, तो उस अकॉर्डिंग आप उस टाइम बुक कर सकते हैं जो भी सबसे अफोर्डेबल और कन्वीनियंट रूट अवेलेबल हो। इस यूनिवर्सिटी में इंडियन मैस अवेलेबल नहीं है, सो सभी स्टूडेंट जो सेल्फ बुकिंग करते हैं फर्स्ट ईयर से ही। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आपका इजिली एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में अभी भी क्वेश्चन है कि अभी तक तो 12th की मार्कशीट आई नहीं है, तो आपका एडमिशन कैसे हो जाएगा MBBS कोर्स में। और ऑफ कोर्स ये बात भी ठीक भी है कि बिना 12th की मार्कशीट के एडमिशन कैसे हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में या फिर MBBS कोर्स में। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेटर इशू कर रही है बिना आपकी 12th की मार्कशीट के, उन्हें कोई भी प्रूफ चाहिए कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो, और उसके लिए आप अपना एडमिट कार्ड सबमिट कर सकते हो 12th के बोर्ड्स का। सो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको अपनी सिर्फ 10th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी, 12th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी या फिर कोई प्रूफ कि आप 12th स्टैंडर्ड में हो, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा, और आपका आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट जो भी आपके पास अवेलेबल, इन डॉक्यूमेंट्स की आपको स्कैन कॉपी सबमिट करनी होगी, और यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन लेटर इशू कर देगी 3-5 वर्किंग डेज में। और जैसे ही आपकी मार्कशीट आएगी तो अपनी मार्कशीट भी आप सबमिट कर सकते हो। इस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी को पता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज में एग्जाम जो डिले हो रहे हैं, तो वो एडमिशन एक्सेप्ट कर रही है, और यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन डेडलाइन है उनको बताया कि 31 जुलाई है, तो उस टाइम तक काफ़ी सारी जगह पे 12th की मार्कशीट नहीं आएगी और ना ही नीट एग्जाम कंडक्ट होगा। सो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको 31 जुलाई से ही पहले ही एडमिशन लेना होगा, और बाद में अपनी मार्कशीट और नीट स्कोर कार्ड सबमिट कर सकते हो। और मैंने आपको बताया कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन डेडलाइन है 31 जुलाई, और यूनिवर्सिटी कभी भी एडमिशन डेडलाइन अपनी एक्सटेंड नहीं करती है, हमेशा फिक्स्ड रहती है। लास्ट ईयर भी 31 जुलाई को ही एडमिशंस क्लोज हो गए थे। सो अगर आपकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई तब भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, और मार्कशीट आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऑल्सो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो एक ही साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।